एंड आई एम फ्रॉम डेलमार्क, एक इंक्यूबेटर एंड फूड डिहाइड्रेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक फूड डिहाइड्रेटर मशीन है। इसमें आप किसी भी तरह का फूड की आइटम आप इसमें ड्राई कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं फ्रंट का फ्रंट पैनल, ये मशीन को ऑपरेट करने का, यहीं से ऑपरेट करना है मशीन को। ये मशीन का पावर बटन है, ये ऑफ़ करने पे ऑफ हो जाता है, ये ऑन करने पे मशीन ऑन हो जाता है। यहाँ पे जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है 43.4, ये अंदर का टेम्परेचर बता रहा है। अभी आप इसमें कितना भी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं ये रिले का बटन होल्ड करके। अभी जैसे इसमें 55 डिग्री इसमें सेट किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये डेट मीन्स फुल ऑटोमेटिक अभी आप वर्क करेगा। अभी जैसे टेम्परेचर इसको बढ़ाना है आपको, तो इसको प्रेस करने के बाद ऊपर वाला आप बटन को बढ़ा के टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, या नीचे करने के बाद इसको कम कर सकते हैं इजिली। यहाँ पे आप हीटर का इंडिकेटर देख रहे हैं, जब तक हीटिंग प्रोसेस होगा तब तक ये जलता रहेगा। जितना टेम्परेचर सेट कीजिएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये फ्यूज़ है मशीन का, ये फ्यूज़ इसमें अंदर में लगा रहता है। ये आप देख रहे हैं बॉडी हाइलम शीट का है, आप अगर चाहे तो स्टेनलेस स्टील का भी बॉडी लिए आप ले सकते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप दो होल देख रहे होंगे कि यहाँ पे और एक वहाँ पे है, ये साइड में भी है और इस साइड में भी है। ये होल का मतलब है इसमें से, जैसे कि अंदर में जब हीटिंग प्रोसेस होता है किसी भी सामान के लिए, तो अंदर में वाटर वेपर वगैरह जो भी हो, गैस वगैरह, वो बाहर निकलने के लिए है, ताकि आपका जो फूड आइटम अंदर में रखा हो वो उसे स्मेल ना आए और अच्छे से वो ड्राई कर सके। मैं आपको ओपन करके दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 5 ट्रे का ड्रायर मशीन है। आप चाहे तो 10 ट्रे का, 15 ट्रे का, 20 ट्रे का, जितना भी आप ट्रे का अगर लेना चाहते हैं तो आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं हमारे कंपनी के थ्रू, क्योंकि ये हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये सबसे छोटा में हमारे पास डिहाइड्रेटर मशीन है जो कि 5 ट्रे का है। ये स्टेनलेस स्टील का, इसके अंदर एक ट्रे है, आपको दिखाता हूँ। ये स्टेनलेस स्टील का ट्रे है जिसमें आपको लगभग 5 से 7 kg तक इसमें लोड आ सकता है कोई भी फूड आइटम। आप इसको स्लाइडिंग वाइज अंदर इजीली पुट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें फूड में कोई भी आइटम, जैसे मछली हो गया, मीट हो गया, पापड़ या फिर मिर्ची, कुछ भी हो, खाने की आइटम जो भी हो, वो आप इजीली ड्राई कर सकते हैं। इसमें फल फूल सब्जी वगैरह जो मॉइस्चरिंग करना है इजीली इसमें आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता है। मैं आपको अंदर में दिखा दूँ एक चीज़। अंदर में आप देख रहे हैं 2 AC फैन लगा हुआ है, जिसकी वजह से अंदर का, इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हैं जिसकी वजह से वो हीटिंग होता है, तो अंदर से वो हीट एयर मशीन के अंदर कवर करता है। इसके अंदर कंपोनेंट्स है बाकी, तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसमें आप सामान रख के किसी भी तरह से ड्राई कर सकते हैं। इसमें आप नेट का ये सिस्टम आप देख रहे होंगे, ये नीचे से एयर अंदर जाता है, तो कोई भी फूड आइटम्स का वो सामान आप ड्राई करने के लिए बहुत इजी तरीके से ड्राई कर सकते हैं। इसमें 100 डिग्री तक आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जितना टेम्परेचर जिसको चाहिए इजीली आप सेट करके उसको आप ड्राई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से आप टेम्परेचर को आगे पीछे करके वो टेम्परेचर पे सेट करने के बाद आप ड्राई कर सकते हैं। ये ट्रे लगाने के लिए आप इजीली ट्रे लगा सकते हैं, जैसे फ्रिज में एक जैसे ट्रे बाहर करना और अंदर करना है, सिंपल वे में आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। बाकी ये हाइलम शीट का बॉडी है, ये टेम्परेचर रेसिस्ट करता है, जल्दी ख़राब नहीं होता, ये 30-40 साल ख़राब नहीं होने का चांस रहता है, क्योंकि ना ये सड़ता है ना ही किसी सीजन में इफ़ेक्ट करता है, ये अपने तरीके से काम करता है। ये टेम्परेचर को रेसिस्ट करने का इसके अंदर पावर्स रहता है, और ये लगभग नहीं भी तो कम से कम 2 घंटा तक, अगर लाइट नहीं रहेगा तो 2 घंटे तक फूड को ड्राई करने की क्षमता रखता है, क्योंकि टेम्परेचर अंदर से बाहर नहीं निकलता है जल्दी, तो ये टेम्परेचर रेसिस्ट करता है, जिसके वजह से ऑब्जर्व करने के कारण आप 2 घंटे तक मेंटेन कर सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।